कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तुरा आ जाएगा तो न जाने क्या करे वो। वही हाल हो गया है। उत्तर कोरिया ने आखिरकार जापान के ऊपर मिसाइलें दाग दी है और मिसाइलें दागने का असर ये हुआ है कि जापान में अफरा तफरी मच गई है। ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। पर इन सब में क्या अब क्वाड लेगा एक्शन और क्या भारत इसके खिलाफ उतरेगा? जानेंगे क्या है मामला, क्यों एक नए युद्ध की शुरुआत लग रही है और भारत की क्या होगी भूमिका। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना दुनिया में दो तरह के देश बन गए हैं, एक जो रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाना चाहते हैं और दूसरे जो रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करना चाहते हैं। चीन और उत्तर कोरिया दो ऐसे देश के रूप में सामने आ रहे हैं जो इस युद्ध का बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं और सामरिक फायदा उठाना चाहते हैं। यानी इस युद्ध की स्थिति में अपने दुश्मन से बदला निकाल लो। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया तो व्यस्त है। बहुत सारे देश खुद को बचाने के लिए व्यस्त है कि महंगाई बढ़ गई है, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालें, कैसे क्या करें। तो वहीं बहुत सारे देश हथियार देने में व्यस्त हो गए हैं। यूक्रेन को हथियार दो कि रूस को हथियार दो, इस लड़ाई में किसको जीतना है, किसको जितवाना है, ये चीजें चल रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है ना, उसका फायदा चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही उठा रहे हैं। अब हाल में क्या हुआ, नैन्सी पेलोसी की देखा देखी ये जो कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति, ये पहुंच गई दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया पहुंच के ये दिखलाना चाह रही थी कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ में है। वैसे उत्तर कोरिया के किम जोंग की सनक किसी से छिपी हुई नहीं है और उत्तर कोरिया अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के यात्रा से ठीक पहले और यात्रा खत्म होने के बाद भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें, जब भारत की मीटिंग हो रही थी जापान में, एक्चुअली क्वाड की मीटिंग हो रही थी जिसमें भारत भी शामिल था, तब उस समय रूस और उत्तर कोरिया के विमान यहाँ से उड़े थे, चीन के भी विमान यहाँ से उड़े थे जापान के पास से। तो वहीं उत्तर कोरिया ने उस समय मिसाइल भी फायर कर दिया था। कमला हैरिस का स्वागत भी उत्तर कोरिया ने कुछ ऐसे ही किया। अब ये दक्षिण कोरिया से निकल तो गई, पर दक्षिण कोरिया ने अपने आर्म्स फोर्स डे के मौके पर एडवांस हथियारों को दिखाना शुरू कर दिया। रॉकेट लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइलें, टैंक, ड्रोन, F-35। उत्तर कोरिया की दुश्मनी दक्षिण कोरिया से तो है ही, जापान के साथ भी दुश्मनी है। सन की तानाशाह किम जोंग उन ने एक और युद्ध का पूरा माहौल तैयार कर दिया है। आज सुबह सुबह उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। 5 साल में पहली बार जापान के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और स्थिति ऐसी हो गई कि इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को कवर लेने की चेतावनी भी जारी कर दी। जापान सरकार ने अपने नागरिकों को कहा कि किसी भी संदिग्ध सामान को न छुएं, फौरन सुरक्षा अधिकारियों को इसकी खबर दें और उत्तरी जापान में तो ट्रेनों का संचालन भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। अब क्या जापान को कोई नुकसान पहुंचा है? तो आपको बता दें, दरअसल सनकी तानाशाह ने चीन वाली रणनीति अपनाई। जब नैन्सी पेलोसी गई हुई थी और वहां से वापस लौट गई तो चीन ने क्या किया था, चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। युद्ध अभ्यास के नाम पर चारों तरफ से घेरने के बाद चीन ने मिसाइलों को फायर करना शुरू किया। और ये मिसाइलें कैसे फायर हो रही थी, एक तरफ से फायर हो रही थी, दूसरी तरफ जाकर गिर रही थी। यानी कि ताइवान के एक तट से दूसरे तट ताइवान के आसमान को छेदते हुए। अब ये चीन ने क्यों किया था, ये दिखलाने के लिए किया था कि देखो हमारी मिसाइलें तुम्हारे आसमान को पार करते हुए आर से पार हो रही हैं। ऐसे ही उत्तर कोरिया ने किया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर करनी शुरू कर दी जो जापान के ऊपर से होते हुए गिर रही थी प्रशांत महासागर में। स्थिति ऐसी बन गई कि जापान सरकार को एक तरह से अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और जापानी कोस्ट गार्ड ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से
ये पहली बार ऐसा हुआ कि मिसाइल को इस तरीके से फायर किया या फिर जापान के आसमान में दिखे उत्तर कोरिया के मिसाइल। जापानी सरकार में हड़कंप तो मचना ही था। उत्तर कोरिया लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जिससे परेशानी तो जापान सरकार को है ही। जापान सरकार ने इस बात के लिए कहा भी कि जो उत्तर कोरिया कर रहा है ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने हाल ही में ये भी दावा किया है कि उसने तरह तरह की मिसाइलें बनाई है और उन मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। अब जो ये मिसाइल दागी गई थी, ये मिसाइल दरअसल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, मतलब जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हो, और ये दागी गई जो करीब जापान से 3000 किलोमीटर दूर जाकर समंदर में गिरी। आपको बता दें, पिछले 10 दिनों में उत्तर कोरिया ने पांचवी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। पिछले हफ्ते अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, उसके बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चली गई। तो ये सबसे चिढ़े हुए उत्तर कोरिया ने अब यहाँ सीधे सीधे चीन वाली रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर कोरिया के खिलाफ भारत जाएगा। आपको याद होगा, पिछली बार जब क्वाड की मीटिंग हुई तो क्वाड की मीटिंग में बाकी के जो देश थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीनों देश चाहते थे कि भारत रूस के खिलाफ कुछ बोले, रूस के आक्रामक नीति के खिलाफ कुछ बोले, पर इस मीटिंग में भारत ने कुछ भी नहीं बोला। अभी आप देखेंगे एक तीन देशों का ट्रायो बना हुआ है। इन तीन देशों में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, जो चीन के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, रूस के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, लेकिन भारत क्वाड में रहते हुए भी कभी भी रूस के खिलाफ नहीं बोलता है। भारत का यही कहना था कि क्वाड को हमने बनाया था मानवीय सहायता के लिए, एक आर्थिक तंत्र के रूप में, और इसका हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जब पिछली बार क्वाड की मीटिंग हुई और एक दबाव सा बन गया कि भारत क्या कहता है, तब भारत ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को लेकर कहा था, तब उसका निंदा किया गया था। भारत ने निंदा किया था उत्तर कोरिया का, वो भी पहली बार। अब ऐसे हालात में जब जापान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और जापान और भारत ने हाल ही में डिफेंस के पैक्ट भी साइन किए हैं, इसका भारतीय पीएम जापान के साथ रिश्ते को हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम शिंजो आबे के जो अंत्येष्टि थी उसमें पीएम मोदी वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावे इकोनॉमिक तौर पर भी जापान भारत को बहुत जगह पे मदद कर रहा है, यहाँ तक कि जापान भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी मदद कर रहा है। तो इन सब में आपको क्या लगता है, क्या उत्तर कोरिया के खिलाफ क्या भारत कोई बयान देगा या खिलाफ जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।